नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में स्वागत है, जहां पर हम सोल्व करते हैं जूनियर एग्जीक्यूटिव एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के जो प्रीवियस ईयर पेपर है उनका सॉल्यूशन। अगर आपने प्रीवियस हमारे वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और आज हम पेपर सोल्व करने वाले हैं, अप्रैल 2016 में जो शिफ्ट 2 का पेपर हुआ था वो सोल्व करने वाले हैं। तो आइए चलिए बिना किसी देर के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, द अवार्ड गिवन ऑफ कोचेस ऑफ स्पोर्ट एंड गेम्स इन इंडिया इज। तो जो खिलाड़ी होते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि विराट कोहली, तो उनके कोचेस होते हैं, तो उनको कौन सा अवार्ड मिलता है? उसका सही आंसर है द्रोणाचार्य अवार्ड। अगर आप 2020 में द्रोणाचार्य अवार्ड किसको मिला है तो वो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अर्जुन अवार्ड, अर्जुन अवार्ड किसे मिलता है जो स्पोर्ट में आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस करते हैं उनको मिलता है। और वीर चक्र, वीर आ गया तो मीन्स बड़े बहादुरी से रिलेटेड होगा, तो जो बहादुरी शो करते हैं उनको वीर चक्र मिलता है। अब गोल्डन बूट अवार्ड, तो यहाँ पे आपको बूट आ गया यानी शूज के रिलेटेड होगा, तो सोकर से रिलेटेड होता है। तो टॉप गोल स्कोरर ऑफ फीफा वर्ल्ड कप में होता है, उनको गोल्डन बूट अवार्ड मिलता है। तो यहाँ पे हमारे स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन एक बनता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वो फाउंड द ब्रह्मो समाज, इसका सही आंसर है राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्मो समाज की स्थापना की थी। वो राजा राम मोहन राय एंड देवेंद्र टागोर वार्ड फाउंडेड ब्रह्मो समाज 20 अगस्त 1828 इन कलकत्ता। अब उसके बाद उसके बाद ब्रह्मो समाज के भारतीय ब्रह्मो समाज और आर्य ब्रह्मो समाज, ऐसे दो डिवीजन भी होते हैं, वो सब हमें याद होना चाहिए। यहाँ पे दूसरा है कि दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। और रविंद्रनाथ टागोर है, उन्होंने का जन्म कलकत्ता में हुआ था, और वो एक पोएट थे। जो हमारा नेशनल एंथम है वो भी रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा हुआ है। और यहाँ पे एम एन रॉय के बारे में यहाँ पे आप जान सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द कैपिटल ऑफ सीरिया वेयर अनरेस्ट इज गोइंग ऑन, इसका सही आंसर है ए। तो यहाँ पे बगदाद नहीं होगा, काबुल नहीं होगा, सही आंसर ये होगा। तो उनके प्रेसिडेंट का नाम और यहाँ उनकी सीरियन पाउंड उनकी करेंसी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो एयरलिफ्ट मूवी है बेस्ड ऑन ट्रू वर्ल्ड इवेंट, वो किसने डायरेक्ट की थी? इसका सही आंसर है राजा कृष्ण म्यूवन बी। तो राजा कृष्ण म्यूवन ने अक्षय कुमार और निमराद कौर इज डायरेक्टेड, वो मूवी है राजा कृष्ण म्यूवन ने डायरेक्ट की थी। यहाँ पे केटी म्यूवन वाज कुवैत बेस्ड इंडियन बिजनेस टाइकून। द वायरस कॉजिंग ऑफ माइक्रो एपैथली इन न्यू इन्फ्लुएंस टू इन्फ्लेटेड मदर इज, इसका सही आंसर है जीका वायरस। तो ये जीका वायरस की प्रॉपर्टी है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, और यहाँ पे H1 HIV और जोस्टर वायरस के बारे में पढ़ सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सम सोल्जर रिसेंटली लॉस्ट देयर लीव सियाचिन ग्लेशियर ड्यू टू, हमें पता है कि सियाचिन है वो जम्मू कश्मीर में आया हुआ है, तो वहाँ काफी सारे जो सैनिक है उनकी मृत्यु हो गई है। तो वो कैसे हुई है? तो वो हुई है एवलांच के थ्रू। एवलांच क्या है? यानी बर्फीला प्रदेश है, तो बर्फीला प्रदेश में स्नो माउंटेन से गिरती रहती है, और कभी बड़ा बड़ा सा जमीन, बड़ा सा बर्फ का गोला घूमता हुआ नीचे आता है, और उसमें जो आर्मी के टेंट और वो होते हैं तो वहां से मौत हो जाती है, उनको एवलांच कहा जाता है। तो इससे हमारे अभी अभी सैनिकों की सियाचिन में मृत्यु हुई है, वो मृत्यु यानी वो अमर हुए हैं, शहीद हुए हैं। द करंट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ मुगल एम्पायर वो रूल्ड इंडिया इन 16 और 17 सेंचुरी में, मुगल एम्पायर का सही क्रम बताना है। तो आइए हमारे यहाँ बी ऑप्शन सही होगा, और फर्स्ट से देखते हैं मुगल एम्पायर का। पहले आया गया बाबर, यहाँ पे आप याद करें तो पहले बाबर, बाद में हुमायूं, बाद में शेरशाह, बाद में अकबर, जहांगीर और शाहजहां और औरंगजेब, AJSA और यहाँ पे BHS। तो वो भी आप ऐसे याद रख सकते हैं, पहले कैपिटल लेटर में बी बाबर, हुमायूं एस, AJSA। तो ऐसे आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही इसको याद कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द ट्रंक रोड बिल्ट बाय, इसका सही आंसर है सी, शेर शाह सूरी के वक्त है ये 16 सेंचुरी में ये रोड बनाया गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्लोगन मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया क्यों बनाया गया? तो कोज इकोनॉमिक ग्रोथ इन कंट्री,
कि मेक इन इंडिया, जो प्रोडक्ट हमारे फॉरेन में बनते हैं वो प्रोडक्ट हमारे इंडिया में बनाया जाए और इंडिया की इकोनॉमी को बढ़ाया जाए, इंडिया की इकोनॉमी को ग्रोथ करा जाए, इसलिए बनाया गया था। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द माउंटेन रेंज इज नॉट इन इंडिया, इंडिया में कौन सा माउंटेन इंडिया में नहीं? तो यहाँ पे सी ऑप्शन लिखा रॉकी। रॉकी मीन्स नाम से ही पता चलता है कि वो कोई फॉरेन नाम है और वो नॉर्थ अमेरिका में, वेस्टर्न पार्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका में ये रॉकी माउंटेन है और इंडिया में नहीं। इसका आंसर बी सही हो जाएगा। सापुतारा है वो सेंट्रल इंडिया राइजेस एंड गुजरात में एंड और छत्तीसगढ़ में सतपुरा रेंज में ये माउंटेन है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो थैंक यू दोस्तों, यहाँ पे हमारे 10 क्वेश्चन सही होते हैं। अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कोई सजेशन तो आप सजेशन दे सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं एनटीसी जूनियर एग्जीक्यूटिव में कोई और पेपर के सॉल्यूशन के साथ। तो तब तक आप अभी एनटीसी की प्रिपरेशन करते रहिए, आप सफल हो, आपका ये सफल हो मैं ऐसी आशा करता हूँ। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलेंगे।